नमस्कार मित्रों, लोक पल्लोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वह है मथुरा का सुप्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखता है, इस मंदिर की पौराणिक मान्यता क्या है और इसकी कहानी क्या है, इतिहास क्या है, इस मंदिर को कब और किसके द्वारा बनवाया गया, इसमें पूजन कब से प्रारंभ हुआ, इस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। लास्ट तक आप यदि वीडियो को देखते हैं तो इन सारी जानकारियों को आप जान पाएंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो आप देखते रहें, वहां की शैली किस शैली पर बनाया गया है, कितना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। और आपको बताता चलूं कि राजस्थानी जो है कि पत्थरों से जो है कि निर्मित किया गया है। तो ये जो है कि सारी आप अवलोकन करते रहें वीडियो का, मैं आपको इसके निर्माण और पूजन और इसके पौराणिक कथा के बारे में आपको जानकारी देता चलूं। मित्रों, ये जो मंदिर आप द्वारकाधीश मंदिर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है। आप जब मथुरा बस अड्डे पर या जंक्शन पर उतरेंगे तो वहाँ उसके बाहर आप निकलेंगे तो वहाँ से टेम्पो या ई रिक्शा का किराया मात्र यहाँ से जाने के लिए 10 से 15 रुपये है। और यदि आप बुक करते हैं यहाँ के लिए ई रिक्शा तो 50 रुपये आपको यहाँ पहुँचने में लग जाता है। तो आप आसानी से जो है कि यहाँ पहुँच सकते हैं। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से इसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। द्वारकाधीश मंदिर यमुना जी के लगभग किनारे है, विश्राम घाट के पहले पड़ता है, 1 किलोमीटर या 600-700 मीटर पहले ही पड़ता है। तो मेन शहर में है, इसका जो मुख्य द्वार है वो मुख्य शहर में है। तो अंदर आप जाते हैं तो जो है कि पूरा आपको प्राचीन शैली में बनाया गया ये मंदिर आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा। इस मंदिर का निर्माण 1814 में शुरू हुआ था। ग्वालियर के एक सेठ थे, खजांची थे, गिरधर उनका नाम था, सेठ गोकुलदास पारिख। सेठ गोकुलदास पारिख ने इसका निर्माण 1814 में स्टार्ट किया था, लेकिन इस निर्माण के पूरा होने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर बाद में इनके जो पुत्र थे लक्ष्मीचंद्र ने इस निर्माण को पूरा करवाया और अपने जीवन काल में इसे एक बहुत ही सुशोभित और खूबसूरत मंदिर बनवाया। और लेकिन इसके बाद भी इसमें पूजन जो है कि स्टार्ट नहीं हो सका। इसमें जो पूजन स्टार्ट हुआ वह 1930 में स्टार्ट हुआ, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। 1930 में इस मंदिर को जो है कि जो आचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य थे गिरधर लाल जी, उनको इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि इस मंदिर में नियमित पूजा होनी चाहिए। और 1930 से अब तक वही पुष्टि मार्ग के आचार्य जो गिरधर लाल जी के परंपरा है, उनके जो है कि वंशज हैं, उन्हीं के आधार पर जो है कि उसी पुष्टि मार्ग द्वारा, उसी पुष्टि मार्ग के अनुसार ही इसमें पूजा की जाती है द्वारकाधीश मंदिर में। तो ये रही इसके निर्माण की जानकारी। और आपको बता दूं कि यहाँ पौराणिक मान्यता इस मंदिर के बारे में क्या है। मित्रों, वैसे तो कंस के मारने के बाद श्री कृष्ण भगवान सीधे अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी के पास चले गए थे और वहाँ से फिर शिक्षा ग्रहण के लिए उज्जैन सीधे चले गए थे। लेकिन मथुरा के लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है कि कुछ दिनों तक यहाँ पर ठहरे थे और यहाँ पर राज किया था, और उन्हीं के याद में जो है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन मित्रों, इसका कोई बहुत ही पौराणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। हमें लगता है कि इस मंदिर को सिर्फ जो है कि भगवान श्री कृष्ण की याद में निर्मित कर दिया गया था और जो है कि द्वारकाधीश मंदिर के नाम से फेमस हुआ। यह मंदिर चूँकि विश्राम घाट के जस्ट पहले पड़ता है, कहा जाता है कि कंस को मारने के बाद जो है कि भगवान श्री कृष्ण विश्राम घाट पर गए थे और विश्राम घाट का जो नाम पड़ा है इसीलिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है कि कंस के मारने के बाद उस घाट पर आराम किए थे, विश्राम किए थे, इसीलिए उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। और उसके बाद जो है कि इस मंदिर जो इसमें मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, वहाँ पर आ करके उन्होंने जो है कि कुछ समय बिताए और वहाँ के लोगों को, मथुरा वासियों को जो है कि कुछ निर्देश दिए अपना वहाँ के रहने के लिए, कैसे आप लोग रहिए और कैसे
जो है कि महाराज जो उग्रसेन हैं, जो आप सब लोग जानते हैं कि कंस के जो पिताजी थे, उनको जो है कि राजपाट सौंप करके भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिताजी के पास चले गए थे। इसका जो द्वारकाधीश मंदिर का और वहाँ रह करके भगवान श्री कृष्ण के राजपाट करने का कोई ऐसा बहुत पौराणिक जो है कि साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद वो आपको बताया कि वहाँ पर महाकाल कालेश्वर उज्जैन चले गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए जो है कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी उनको उसकी स्थापना जो है कि भगवान श्री कृष्ण के याद के रूप में किया जाता है, और पुष्टि मार्ग के आचार्यों द्वारा इसकी पूजन की जाती है, जो अब तक ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ की जो निर्माण शैली है मित्रों, वह राजस्थानी ढंग से इसका निर्माण किया गया है। इस मंदिर के अंदर ही एक परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर को जो है कि बनाया गया है। यहाँ पर सुबह और शाम जो है कि आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है, उसके बाद 4 बजे खुलता है, उसके बाद आप जो है कि यहाँ का दर्शन कर सकते हैं। और सुबह से लेकर 12 बजे तक भी, 7 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक का इसमें दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी यहाँ के बारे में, द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। मैं अपने अगले वीडियो में विश्राम घाट की पूरी जानकारी दूंगा और वहाँ का वीडियो आपको लाइव दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की पौराणिक कथा और मान्यता से संबंधित वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। अच्छा चैनल लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में पुनः मिलता हूँ। नमस्कार।